Hello and welcome to my channel. I am Kamal from Learning Shri Kamal. Today I am going to talk about these two prepositions, by and with. English learners always get confused about these two prepositions. This lesson is also very important for those who are preparing exams for IELTS, TOEFL and any other competitive exams. In this video I am going to tell you how to use these prepositions correctly in the sentences. Let's begin our lesson now. Have a look at these two examples. I learn English by watching videos on YouTube. I learn English with watching videos on YouTube. कौन सा sentence ठीक है? कुछ पल सोचें. जोर दे अपने दिमाग पर. First sentence ठीक है. I learn English by watching videos on YouTube. अब आप ये दो examples देखें. I write with a pen. I write by a pen. कौन सा sentence ठीक है? पहला sentence ठीक है. I write with a pen. दोस्तों पहले हमें ये समझना होगा कब इन दो prepositions का इस्तेमाल किया जाता है. जब question arise होता है how, आपने ये काम कैसे किया. How do you learn English, आप English कैसे सीखते हो. I learn English by watching videos on YouTube, मैं YouTube के ऊपर वीडियो देखते हुए English सीखता हूँ. How do you write, आप कैसे लिखते हो. I write with a pen, मैं pen के साथ लिखता हूँ. दोस्तों अब ये question arise होता है कब हमें prepositions with का इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमें by का इस्तेमाल करना चाहिए. सबसे पहले मैं आपसे with के बारे में बात करता हूँ. पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए, with के बाद हमेशा nouns का इस्तेमाल किया जाता है. Nouns क्या होते हैं? किसी वस्तुओं के नाम, जैसे कि I write with a pen, मैं pen के साथ लिखता हूँ. Pen क्या है? एक instrument, एक noun. With के बाद हमने noun का इस्तेमाल किया. ऐसे मैं आपको कुछ और examples बताता हूँ. I clean the floor with a mop. मैंने mop के साथ floor की सफाई की. Mop क्या है? एक instrument, right? या फिर हम instrument के अलावा body parts का इस्तेमाल भी करते हैं with के साथ. एक चीज़ और समझने वाली है कि with के बाद normally क्या होता है, tools का इस्तेमाल किया जाता है कि हमने ये काम इसके साथ किया, या फिर body parts का, right? आइए अब examples लेकर समझते हैं. I think with my brain, मैं ब्रेन के साथ सोचता हूँ. I see with my eyes, मैं आँखों से देखता हूँ. I hear with my ears, मैं कानों से सुनता हूँ. I run with my legs, मैं अपने legs के सहारे दौड़ता हूँ. सो दोस्तों इस प्रकार के examples में with का इस्तेमाल किया जाता है. या एक examples और ले लेते हैं. Italians talk with their hands, जो Italians होते हैं वो अपने hands के movement से बात करते हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं Italians talk with their hands, वो अपने hands का सहारा लेकर बात करते हैं. या फिर आप ये दो examples लीजिए instrument की. I ate dinner with a fork, मैंने fork के साथ dinner किया. fork क्या है? एक कांटा. उस instrument का इस्तेमाल किया खाना खाने में. या फिर आप restaurant में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आप जो dinner करते हैं उसमें chopsticks देते हैं, जो sticks होती हैं. आपने normally देखा होगा जो Chinese food है उसमें ये traditionally जो उनका कल्चर था उसमें ये यूज़ किए जाते थे. तब हम कहते हैं आई एट डिनर विद चॉपस्टिक्स, मैंने चॉपस्टिक्स का सहारा लेकर डिनर किया. सो दोस्तों इस प्रकार के एग्जांपल्स में हम विद का प्रयोग करते हैं. अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, बात करते हैं बाय. पहली बात तो ये समझो बाय का इस्तेमाल हम वर्ब प्लस आईएनजी के साथ भी करते हैं और बाय का इस्तेमाल नाउंस के साथ भी किया जाता है. दूसरी तरफ विद का इस्तेमाल सिर्फ नाउंस के साथ किया जाता है, वर्ब के साथ नहीं किया जाता. बाय की पहले हम एग्जांपल्स ले लेते हैं. वर्ब प्लस आईएनजी जो एक जेरंड बन जाता है और एज ए नाउन काम करता है सेंटेंस में. जब आप ये एग्जांपल देखिए, आई लर्न इंग्लिश बाय वाचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब. यहाँ पे वाचिंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी, हमने बाय के बाद इस्तेमाल करना है. आई कीप हेल्दी बाय एक्सरसाइजिंग, मैं एक्सरसाइजिंग के माध्यम से अपने आप को हेल्दी रखता हूँ. यहाँ पे क्या है? एक्सरसाइजिंग, वर्ब प्लस आईएनजी. I turn on the computer by pushing the on button. I turn on the computer by pushing the on button. मैंने computer start किया on button को push करके. So यहाँ पे pushing क्या है? Verb plus ing. I learn the yoga by watching YouTube. मैंने yoga सीखा YouTube देखते हुए. I learn the yoga by watching YouTube. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं by का प्रयोग हम nouns के साथ भी करते हैं. उसे याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ. जो वो नाउंस होते हैं वो नॉर्मली आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखे होंगे
या तो कम्युनिकेशंस को लेकर होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशंस को लेकर। इन दोनों के अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम इस वीडियो में कंसीडर नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, जैसे आप ये एग्जांपल देखें, आई कॉन्टैक्ट यू बाय ईमेल, मैं आपको ईमेल के माध्यम से कॉन्टैक्ट करूँगा। ईमेल क्या है? एक वे है, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स है, आई कॉन्टैक्ट यू बाय फ़ोन, या फिर आई मैसेज यू बाय टेक्स्ट, मैं लिखकर आपके मैसेज करूँगा। आई मैसेज यू बाय वीडियो, मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैसेज करूँगा। सो दोस्तों, दूसरी तरफ अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आई गो बाय कार, मैं कार से जाऊँगा। आई केम बाय एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन से वापस आया। आई यूजली ट्रेवल बाय ट्रेन, मैं आमतौर पर ट्रैवल के माध्यम से सफ़र करता हूँ। सो दोस्तों, इस प्रकार हम बाई के बाद नाउंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक बात और समझें, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई स्टैंडर्डाइज रूल नहीं है बाई एंड विद का प्रयोग करने में। ये कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं जिसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में बाई का प्रयोग करना है और कहाँ पर विद का प्रयोग करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, आपका जो समझ है बाई एंड विद को प्रयोग करने की इंग्लिश सेंसेस में बहुत अच्छी हो जाएगी और आप ऑलमोस्ट इनका प्रयोग करना सीख जाएंगे। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेना चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर, मेल आईडी चैनल डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।